हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म परीक्षा प्लस पर। दोस्तों, आज हम लोग फिर से संविधान के लगभग, ये है आपकी 11 नंबर की क्लास है, यानी तमाम ऐसे मुद्दों को जहां से आपके आधार बनते हैं, उन सभी विषयों पर हमने लगभग बात कर लिया है। अभी देखो, संविधान के भाग 5 तक जितनी चीजें मैं आपको बताऊंगा, इनसे संविधान मतलब अभी जैसे मैंने आपको प्रस्तावना बताया है, प्रस्तावना के बाद आज हम लोग विधिवत डिस्कस करेंगे कि संविधान के भाग क्या क्या हैं, क्योंकि कोई भी परीक्षा, आप बड़ी से बड़ी परीक्षा देख लीजिए, लोक सेवा आयोग, यहां तक कि प्रीलिम्स में भी सीधा सा सवाल पूछ लेता है कि ये फला जो है चीजें संविधान के किस भाग में। तो देखने में चीजें छोटी लगती हूं, ठीक है, आपको ये महसूस होता कि अच्छा ये पढ़ लेंगे, लेकिन जितनी गलतियां आप इसमें करते हो उतनी अन्य में नहीं करते हो। अगर मैचिंग उसने दे दिया कि जो है भाग के सामने उसने मैचिंग दे दिया कि इसका मिलान करिए या कौन सा सही सुमेल नहीं, वही चीजें जो है धोखा खा जाती हैं। तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पहली बार इसको पढ़ रहे हैं, तो वो वीडियो को लगातार बहुत अच्छे से देखिए, ठीक है। जो लोग पढ़ चुके हैं उन्हें रिवीजन करना है, रिवीजन के मूड से देखे, लेकिन हर एक वीडियो को अपनी तारतम्यता को बनाए जरूर रखिए, देखिए जरूर सारी चीजों को। तो बढ़ते हैं पॉलिटी के आज न्यू सेशन में। सारी क्लासेज आप सारे लोग जानते हैं टीम की ओर से, ठीक है, निःशुल्क आपको दिया जा रहा है, ताकि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो और इस समय घरों में आप बैठे हैं, तो आपको यह महसूस ना हो कि ऑफलाइन के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। विकल्प टीम परीक्षा प्लस ने आपके सामने रखा है, ठीक है। जितनी चीजें हो सकती है भैया, 10+ कोर्सेस पर एक साथ फोकस होकर पूरी क्लासेज हम चला रहे, ठीक है, और क्लासेज अपने आप में बेस्ट होती है। आप सारे लोग पढ़ चुके हो, सभी की प्रतिक्रिया मिल चुकी है, इस वजह से मस्त होकर पढ़िए। सारी जिम्मेदारी टीम पर डाल दीजिए, टीम हर एक चीजें आपको करके देगी, ठीक है, आपकी सफलता में बहुत ही सहायक होगी। बस आपको टीम के साथ पूरी तन मन से लग जाना है, ठीक है। धन से तो मैंने निःशुल्क कर दिया है, तो वहां तो चीजें आई नहीं, ठीक है। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। जो लोग जो है अगर सब्सक्रिप्शन चाह रहे हैं कि हमें सर जैसे PDF भी चाहिए इसकी जितनी चीजें पढ़ाई जा रही, तो भैया 499 रुपए में 3 महीने का हम आपको सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं, यानी 150 रुपए में लगभग 150 आपको PDF मिल जाएगी 1 महीने में। तो इसमें हर्ज क्या है, ले सकते हैं, यहां से पूरी नोट्स मिलेगी। हिंदी पढ़ा रहा हिंदी की, विलेज डेवलपमेंट पढ़ा रहा उसकी, ठीक है। अब तो विलेज डेवलपमेंट 7 दिन क्लासेज हो गई, 3 दिन MCQ विलेज डेवलपमेंट का होगा, 3 दिन जो है मैं आपको डिटेल क्लासेस देता हूं। पॉलिटी अभी चल रही है, इसके क्वेजेस करवाऊंगा, इसके क्वेश्चन आंसर जो है मैंने करवा दिए हैं, 1100 प्रश्न मैंने करवा रखे हैं, उनको पढ़िए, ठीक है। सभी की वीडियोस लगी हैं, सब कुछ निःशुल्क है। तो आगे बढ़ते हैं आज की इस श्रृंखला में। आज हम पढ़ते हैं सबसे पहले भारतीय संविधान की अनुसूचियां क्या क्या रही। देखो, अनुसूचियों की जब बात होती है, शेड्यूल की जब बात होती है, अनुसूचियां जो है हमारे यहां वर्तमान में जितनी अनुसूची आपको 12 दिखाई देती है, क्या यह अनुसूचियां जब संविधान आपका लागू हुआ था तभी थी? क्योंकि ये एक बहुत सिंपल सी चीज है, चाहे मैचिंग देख लो, लोक सेवा आयोग का प्रश्न पत्र देख लो, या किसी छोटे परीक्षा की आप जो है प्रश्न पत्र को उठाइए, GS के सेक्शन में पॉलिटी का मैंने बताया है, हमेशा से रोल सबसे ज्यादा होता है यहां पर। जो होता है जैसे आप प्रीलिम्स में बैठने जाओगे 2020 वाला जो आपका UPPCS है, ठीक है, उसमें कम से कम 20 क्वेश्चन के अप्रॉक्स आपका ये मिलेगा पॉलिटी, ठीक है। और अन्य किसी परीक्षा में बैठना है तो वहां पर भी पॉलिटी का रोल आपका अच्छा खासा होगा, छोटे छोटे प्रश्नों से सवाल बनाता है। अब यहीं से अगर इसको मैचिंग में डाल दिया अनुसूचियों को, तो आप 100% गलत कर देंगे अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो एक बार नजर डालते हैं, पूरी चीजों को पढ़ते हैं, कौन सा कब आया, कैसे आया। जो लोग पहली बार पढ़ रहे इस वीडियो को भैया बहुत अच्छे से देखिए, पूरी डिटेल के साथ मैं बता रहा हूं। इसके बाद आपको ये जरूरत नहीं पड़ेगी कि इस समय सर हमारे पास कोई किताबें नहीं, मैं जितना पढ़ाता हूं वो अपने आप में 2-4 किताबों का एक मिश्रण होता है, ठीक है। तो वीडियो बहुत अच्छे से देखिए। इसमें हम लोग शुरुआत करें शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान की अनुसूचियां। 3 चीजों को पढ़ना है। अनुसूची के बाद हम लोग बात करेंगे भाग की, कि भारतीय संविधान के भाग कितने, किस भाग में किस विषय का वर्णन है। और इसके बाद जो अगला हम बात करेंगे वह होगा आपके स्रोत से, यानी भारतीय संविधान में जितने मुद्दे लिए गए, यह किन किन देशों के संविधान से, कहां कहां से, कौन कौन से मुद्दों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। तो तीनों टॉपिक आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट बनते हैं, मैचिंग से संबंधित सवाल, कोड से संबंधित सवाल, ऐसे प्रश्न यहां से आए हुए हैं, सीधा सीधा सवाल भी आया है, तो बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। आपको सिर्फ जो है अपने आप को केंद्रित कर देना है,
बाकी चीजें मैं जैसे जैसे बोल रहा हूं वैसे सुनते चलो, दिमाग में सब कुछ बैठता चला जाएगा। इतनी आसान भाषा में मैं आपको समझाऊंगा। देखिए भैया, जो अनुसूची होती है, जब मूल संविधान आपका बना था 26 जनवरी 1950 वाली जब हम बात करते हैं, तो उस दौरान बातें क्या थी कि 8 अनुसूचियां थी। मैंने आपको बताया था कि जब पहली बार बी एन राव ने संविधान बनाकर तैयार किया तो संविधान में उन्होंने कुछ अनुसूचियां कुछ आपके क्या रखे थे, कुछ उसमें अनुच्छेद रखे थे। ये लेक्चर सारे पहले के हो चुके, जो लोग इसको सीधा देख रहे हैं वो पहले जाकर के मेरे 10 लेक्चर देखिए आप लोग, ठीक है। 10 प्लस कोर्सेज में पूरा डिवाइड है, सभी की प्लेलिस्ट बनी है, सभी में पूरे वीडियो लेक्चर्स पड़े हुए हैं, वहां से देख सकते हैं। वर्तमान में अगर बात किया जाए, वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। शुरुआत में कितनी, मूल संविधान में संविधान जब बना तो केवल 8 अनुसूचियां अपने यहां थी, लेकिन वर्तमान में संशोधन के माध्यम से हमें जब जब जरूरत पड़ी तब तब संशोधन हुए और संशोधन के माध्यम से अनुसूचियों को शामिल किया गया। अगली बात देखें, अगर मैं बात करूं शुरुआत में जब 8 अनुसूचियां रही तो सबसे पहले ही, ठीक है, यह सवाल बहुत बार आया है, नई अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। तो संविधान में प्रथम संविधान संशोधन किया गया 1951 की बात है, इसके द्वारा प्रथम जो है ये नवीं अनुसूची जोड़ी गई। नवीं अनुसूची का प्रथम संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से जोड़ी गई। इसमें किस विषय के बारे में है, इसमें राज्य द्वारा संपत्ति अधिग्रहण के उपबंध है। सबसे पहला जब चर्चित मुद्दा क्या रहा, जब हमें आजादी मिली तो सबसे पहले हमें यह देखना था कि लोग इतने ज्यादा पीड़ित हैं, इनकी मनोदशा को कैसे सुधारा जाए। तो सबसे पहले सरकार जमीनों पर कार्य करना प्रारंभ करती है कि अगर हम अपनी रीढ़ को मजबूत किए, कृषि को मजबूत करेंगे, तो हमें धीरे धीरे जो भुखमरी जैसी समस्याएं हैं, लोगों तक जो है अनाज नहीं पहुंच रहे, गरीबी है, इन सभी में धीरे धीरे हमारा प्रयास बढ़िया होगा। तो सबसे पहले इसने क्या किया कि राज्य के द्वारा सबसे पहला जो संशोधन 1951 में आता है, इसके द्वारा नवीं अनुसूची जोड़ी जाती है मूल संविधान में, और इसमें संपत्ति अधिग्रहण के उपबंध, यानी राज्य सरकार कैसे संपत्ति अधिग्रहण, क्योंकि विकास करना है। अब आप कहें नहीं, पहले क्या था, संपत्ति मूल अधिकार था, अब आपकी संपत्ति है तो वो मूल अधिकार में अब सरकार तो उसके खिलाफ जाएगी नहीं, तो इसके लिए एक संशोधन यहां पर लाना पड़ा, ठीक है, कि मान लीजिए गवर्नमेंट को विकास करना और गवर्नमेंट कह रही कि ये जो एरिया है इस एरिया से हम नहर गुजारेंगे, इस एरिया से हम सड़क गुजारेंगे, आप कहें नहीं मेरा खेत पड़ रहा है मैं नहीं दूंगा, तो ऐसा तो आप कर नहीं सकते, गवर्नमेंट चाहेगी तो आपसे ले लेगी। क्यों? क्योंकि उसने अधिकार यह लिया है संविधान से, संविधान उसको पावर देता है। और यह चीजें कैसे की गई, यह सब कुछ उपबंध जो है 1951 में किया गया। दूसरे की बात करें, दसवीं जो अनुसूची है, दसवीं अनुसूची जोड़ी गई थी जो आपका 52वां संविधान संशोधन रहा 1985 में, इसके द्वारा दसवीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इन चारों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना। ग्यारहवीं जो अनुसूची है, यह 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, और आप जानते हैं यह 1993 की बात है। उसके बाद 12वीं अनुसूची, यह 74वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा जोड़ी गई थी। 73 और 74 में बहुत डिफरेंस नहीं है। प्रथम अनुसूची की, अब एक एक अनुसूची की हम लोग चर्चा करते हैं कि किस अनुसूची में किस विषय वस्तु के बारे में बताया गया है, कौन कौन सी चीजें किस किस अनुसूची में रखी गई है। जैसे आप किताब पढ़ते हो चैप्टर, ठीक है, तो चैप्टर जब आप पढ़ते हो तो एक चैप्टर में बहुत सारी बातें होती हैं, उसको बोल दिया जाता है पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा। तो संविधान में सब कुछ पढ़ने में बहुत सारे विषय एक जगह से रिलेटेड, एक मुद्दे से रिलेटेड होते, उन सभी को ऐसे चैप्टर वाइज डिवाइड किया गया है, ऐसा समझ लो, दिमाग में बना लो, ठीक है। उन्हीं में इन सारे विषयों को रखा गया है कि किस भाग में, किस जो है चैप्टर में कौन कौन से विषय को एक साथ रखा गया, यही आपका शेड्यूल है, अनुसूची है, समझे, सूची, ठीक है। किताबों की जब जो है आप वो देखते हो कौन कौन सी सूची है, पहला चैप्टर कौन सा है, दूसरा, वही चीजें यहां पर है, अनुसूची, समझ गए, कौन सी चीज कहां पर व्यवस्थित की गई वही अनुसूची है। अब पहले से पढ़ो, देखो भैया, पहली जो अनुसूची है इसमें भारतीय संघ के घटक राज्यों, घटक का मतलब होता है जितने हमारे यहां संघ में शामिल राज्य हैं, वर्तमान में जैसे 28 राज्य हैं एवं केंद्र शासित प्रदेश इस समय 8 है, ठीक है, 8 जो 28 राज्य है अपने यहां और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन सभी का उल्लेख है किसमें, भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में, ठीक है। संविधान के 69वें संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है, 69, वो भी आपसे पूछा है। अगली चीज द्वितीय अनुसूची के बारे में बात करें, द्वितीय अनुसूची इसमें भारतीय राज व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों, ठीक है, द्वितीय अनुसूची में क्या है,
जैसे राष्ट्रपति हो गए, राज्यपाल हो गए, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हो गए, राज्यसभा के सभापति उपसभापति हो गए, विधानसभा के अध्यक्ष हो गए और जो है उपाध्यक्ष हो गए, इन सभी के बारे में ठीक है, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के सभी आपके न्यायाधीश हो गए, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हो गया, इन सभी का वेतन यानी जो सैलरी इनको दी जाती है, जो इनको भत्ते दिए जाते हैं और जो इनको पेंशन दी जाती है, ये सभी, इन सभी का जिक्र किसमें है, ये सब आपकी दूसरी अनुसूची में है। तो दूसरी अनुसूची में क्या आपको समझ में आया कि दूसरी अनुसूची में भारत के जितने पदाधिकारी हैं इन सभी के वेतन भत्ते और पेंशन के बारे में बात की गई है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो आपके जो है न्यायाधीश हैं, जज हैं, इन सभी के वेतन भत्ते भी इसी में शामिल हैं। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का भी वेतन और भत्ता द्वितीय अनुसूची में ही वर्णित है सारी चीजें, समझ गए बहुत अच्छे से। तीसरी अनुसूची पर बढ़ते हैं, क्या बोल रहा तीसरी अनुसूची भैया, यह हमेशा ध्यान रखिएगा, इसमें शपथ के बारे में उल्लेख है, शपथ किनके किनके, इसमें विभिन्न पदाधिकारियों जिनके बारे में अभी हमने बात किया, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री जो होते हैं, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, इन सभी के द्वारा जब ये पद ग्रहण करते हैं उस दौरान क्या लेते हैं, शपथ लेते हैं कि मैं शपथ लेता हूं कि जो है अपने पद की मर्यादा, गरिमा, प्रतिष्ठा बनाए रखूंगा, भारतीय संविधान में क्या रखूंगा, ठीक है, आस्था रखूंगा, उनके विरुद्ध कोई कार्य नहीं करूंगा, यही सब पद होता है, मतलब शपथ होती है, वो शपथ में तो सारी तीसरी अनुसूची में किसके बारे में, शपथ के बारे में। देखो स्वाट्रिक वगैरह कोई काम नहीं करती, स्वाट्रिक वगैरह इसमें सब में मत पढ़ने जाना, छोटी सी चीजें समझ के चलो, अपने आप सब याद होगा। अगला है भैया चौथी अनुसूची, चौथी अनुसूची में किसके बारे में वर्णन है, ठीक है, एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, चौथी अनुसूची किससे आती है, राज्यसभा से। राज्यसभा का मतलब क्या कि जितने भी अपने विभिन्न राज्य हैं, 28 राज्य हैं और संघीय क्षेत्र यानी 8 हैं, 28 प्लस 8 जो आपके ये कुल मिलाकर आते हैं, इनके राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया है किसमें, चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची किससे संबंधित है, राज्यसभा की सीटों के आवंटन से, समझ गए। आगे बढ़ लेते हैं, पांचवी अनुसूची अगर देखें, देखो पांचवी अनुसूची, छठी अनुसूची, इन दोनों में तुरंत दिमाग किधर जाएगा आपका, ईस्टर्न, जो आपके पूर्वी राज्य हैं, कैसे, जो आपका पांचवी अनुसूची है इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में दिया है, ठीक है। पांचवी में जो एससी और एसटी एरियाज होते हैं, ट्राइब्स एरियाज होते हैं, इन सभी के बारे में जिक्र है पूरा। अगली चीज जब छठी अनुसूची देखते हैं, तो छठी हमेशा ध्यान रखिएगा, जो छठवीं अनुसूची है इसमें पहला कौन, असम, दूसरा मेघालय, तीसरा त्रिपुरा और चौथा है मिजोरम, ये चार राज्य आते हैं छठी अनुसूची में, इन राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है, याद रखना, इन चारों में पूछता है कि कौन सा छठी अनुसूची के अंतर्गत आपका पूर्वी राज्य नहीं है, ठीक है, तो इसमें असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है, इन चारों राज्यों में जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनके प्रशासन के बारे में छठी अनुसूची उपबंध करता है, समझ गए। आगे बढ़ लेते हैं, सातवीं अनुसूची क्या बोलता, कहता है कि इनमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में विवरण दिया गया है, यानी केंद्र और राज्य की शक्ति विभाजन किसमें है, यह आपकी सातवीं अनुसूची में है, बहुत बार पूछा है। इसके अंतर्गत तीन सूचियां हैं, मतलब केंद्र और राज्य के जो शक्तियां हैं उनका विभाजन तीन जो है चैप्टर में किया गया, तीन सूचियों में किया गया, कौन सी शक्ति किसको मिलेगी इस बारे में, ठीक है। पहली एक सूची बनाई गई संघ सूची, यानी केंद्र सरकार को कौन कौन सी पावर दी जाती है, वो सब संघ सूची में लिख दिया गया। दूसरा बना दिया गया है राज्य सूची, यानी हर एक राज्य सरकार को कौन कौन सी जो है पावर दी जा रही है उनके बारे में आपके राज्य सूची में लिखा गया। तीसरा आता है समवर्ती सूची, यानी यहां पर ऐसे मुद्दों को शामिल किया गया जहां पर संघ भी कानून बनाए, राज्य भी कानून बनाए, यानी दोनों लोग कानून बनाते हैं, ऐसे मुद्दों को समवर्ती सूची दे दिया गया। तो समझ गए, तीन सूचियां किसमें, सातवीं अनुसूची में ही आती हैं, क्यों, क्योंकि राज्य और जो है केंद्र के बीच में शक्तियों का बंटवारा हुआ है। संघ सूची में इससे पूछता है कितने विषय हैं, ठीक है, वर्तमान में कितने विषय हैं, जब यह बनाई गई तब कितने विषय थे, हमेशा ध्यान रखना, केंद्र सरकार इन पर कानून बनाती है, संविधान लागू होने के समय इसमें 97 विषय जोड़े गए थे, कि 97 विषय ऐसे हैं जिन पर कानून केंद्र सरकार बनाएगी, लेकिन वर्तमान समय में अगर हम बात करें तो इसमें दो और बढ़ा के 99 विषय किए गए हैं, ठीक है। अगला है राज्य सूची, देखो भैया राज्य सूची में जो विषय होते हैं इन सभी पर राज्य सरकार कानून बनाती है, संविधान लागू होने के समय इसमें 66 विषय बनाए गए थे कि हर एक राज्य जो है
वहां की सरकारें छात्र जो है 66 आपके सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिन पर कानून बनाएगी, लेकिन वर्तमान में अगर हम बात करें तो यह 66 से घट के 61 विषय रह चुके हैं। इसमें 5 विषयों को ट्रांसफर किया गया। तीसरी जो सूची है यह भैया समवर्ती सूची होती है। तीसरी जो आपकी सूची है यह कौन सी होती है? समवर्ती सूची होती है, यानी इसके अंतर्गत दिए गए जो विषय हैं इन सभी पर आपके कौन, केंद्र और राज्य दोनों आपके कानून बनाते हैं। इस पर ध्यान रखिएगा कि केंद्र और राज्य दोनों के दोनों इस पर कानून बनाते हैं, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अंतर्गत कौन कौन कानून बनाएगा? केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं। ठीक है, दोनों सरकारें कानून बनाती हैं, यह है आपका समवर्ती सूची। परंतु कानून के विषय में ऐसा सवाल पूछा है कि अगर समवर्ती सूची का कोई मुद्दा रहा, उस पर केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों कानून बना दी आपकी, ठीक है, अगर दोनों कानून बना देती हैं तो कौन सा कानून मान्य होगा? हमेशा ध्यान रखो भैया, बात किसकी हो रही है? इस बात हो रही है कि दोनों को पावर मिली, दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन कानून समान बन गया तो उस पर भाई जो दादा वो दादा, ठीक है, संघ सरकार का कानून ही मान्य होगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? तो भैया संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में 47 विषय थे, 47, लेकिन वर्तमान में अगर बात करें तो इसमें विषय बढ़ा दिए गए, 5 विषय और बढ़ गए, 52 विषय इसमें हो चुके हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे अनुसूचियों पर। आठवीं अनुसूची क्या बोलती? आठवीं अनुसूची भैया बोलती है कि अपने यहां भाषाएं कौन कौन सी मान्य है। आठवीं अनुसूची भाषा से संबंधित, भारत में जो है 22 भाषाओं का इसमें भारतीय इसमें आठवीं अनुसूची में उल्लेख है भारत की 22 भाषाओं के बारे में। ऐसा सवाल पूछता है कि कौन सी निम्न में से भाषाएं सबसे अंत में जोड़ी गई, उन चीजों को ध्यान रखना है। देखो मूल रूप से अगर कभी पूछ लिया कि आठवीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी, शुरुआत में जब संविधान बना उस दौरान भाषाओं की संख्या थी आपके 14, बाद में समय समय पर जैसा महसूस हुआ उन अनुसार जो है परिवर्तन किया गया, संशोधन किया गया, भाषाओं की संख्या हम बढ़ाते रहे। जैसे 14 भाषाएं मूल रूप से थी, 1967 की बात है, 1967 की, इसमें सबसे पहले सिंधी को जोड़ा गया, और 92 की बात है, 92 ईस्वी में कोकड़ी मणिपुरी नेपाली को आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया। तो इनसे जो है धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ती रही, वर्तमान में इनकी संख्या 22 है कि 22 भाषाएं भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लेख है। नौवीं पढ़ लो, नौवीं में क्या है? देखो भैया ये जो अनुसूची मैंने पहले ही बता दिया, पहले पढ़ाने से शुरुआत से पॉइंट थी इसको मैंने ये बताया कि नौवीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, बहुत बार पूछा है याद रखना। इस अनुसूची में क्या है? सबसे पहले तो चीज यह है, इसमें यह चीज आई है जो आप बहुत बार पढ़ते हो कि मान लीजिए संसद कुछ ऐसे नियमों को बनाए जो आपको क्या करे, संसद ये चाहे इन नियमों पर जो है न्यायालय में हम चुनौती ना दे, ठीक है, क्योंकि टकराव अच्छा नहीं होता है, तो ऐसे कानूनों को संसद इन नियम इस अनुसूची में डाल देती है। तो नई अनुसूची में जो भी विषय शामिल होंगे, ठीक है, इन विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, हमेशा ध्यान रखिएगा। यह सवाल कई बार पूछा है कि किस अनुसूची में शामिल विषयों पर हम न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, तो वो विषय आपके वो अनुसूची है नई अनुसूची, ठीक है, ये आई ही इस वजह से है। इसमें देखिए ध्यान रखिएगा, जो अभी मैंने बताया कि संपत्ति राज्य के द्वारा संपत्ति अधिग्रहण, यानी अगर डेवलपमेंट करना है तो वहां पर राज्य सरकार को संपत्ति का अधिग्रहण करना पड़ेगा, तो उस कानून को जैसे क्या किया गया, संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख इसके द्वारा व्यापक तौर पर किया गया। अब आप पूछो कि इसमें क्या यह है, जब से बना दिया गया, सबसे पहले ही बनाया गया 1951 में, पहली चीज यही आई, नई अनुसूची आई, तो नई अनुसूची में आजकल कितने उपबंध इतने उसमें बना दिए गए कि जिन पर हम चुनौती नहीं दे सकते न्यायालय में, ठीक है, 284 अधिनियम इसके अंतर्गत बन चुके हैं, 284 अधिनियम इन विषयों से संबंधित बन चुके हैं जिन पर न्यायालय में चुनौती नहीं हो सकती। दसवीं अनुसूची की बात करें, ठीक है, दसवीं अनुसूची भैया यह आई थी आपके 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा, ठीक है, क्या बात थी उस दौरान, सबसे बड़ा जो आपको आजकल का चर्चित मुद्दा दिखता है, ठीक है, तब भी था, हमेशा से रहा है, दल बदल जो प्रावधान किए गए यह दसवीं अनुसूची में 1985 में आया था 52वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, दल बदल नेता जानते ही हैं, जो अवसर जो है अवसरवादी होते हैं कि हमारी जो है जब हम चुनाव से पहले इधर थे, चुनाव हो गया तो उधर भाग गए, तो इन सारी चीजों पर रोक लगाने के लिए दल बदल संबंधित प्रावधान दसवीं अनुसूची में किया गया, ठीक है, 1985 में इसके लिए बाकायदा संविधान संशोधन किया गया। अगला पूछता है 11वीं अनुसूची जो आपकी है, यह अनुसूची संविधान में
73वें संविधान संशोधन के द्वारा लाई गई। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें आप जानते हैं कि सबसे बड़ी चीज जो हम पढ़ते भी है, पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए। तो इसके द्वारा पंचायती राज संस्थाओं का पूरी तरीके से क्या होता है, जो जो उसमें जिसके लिए इनकी स्थापना की गई थी उन सारे प्रावधानों को लागू किया गया, किसमें, ग्रामीण अनुसूची में। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना ग्रामीण अनुसूची क्या है, यह अनुसूची भी वही चीजें है। देखो ग्यारहवीं बनाई गई, बारहवीं बनाई गई, क्यों, क्योंकि ग्यारहवीं में तो ये चीज पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए विषय उपलब्ध करा दिए गए। ये जो बारहवीं अनुसूची रही इसको 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसलिए लाना पड़ा क्योंकि शहरी क्षेत्र की जो स्थानीय स्वशासन संस्था होती है इनको कार्य करने के लिए भी व्यवस्था की गई और 18 विषय इनको प्रदान कर दिए गए, वह बारहवीं अनुसूची थी। ठीक है, तो ग्यारहवीं बारहवीं में पंचायती राज संस्थाएं या स्थानीय स्वशासन के बारे में है। नवीं दसवीं मैंने बता दिया कि नवीं में सबसे पहले सरकार को जरूरत रही संपत्ति अधिग्रहण की, दसवीं में क्या जरूरत पड़ गई, दसवीं में चीजें आ गई दल बदल की। ठीक है, तो इन सभी को अच्छे से ध्यान रखना है, लेक्चर को जब भी खाली होते हो जो है पढ़ते रहो। आगे अब हम बात करते हैं संविधान के भाग की, जहां से भी सवाल आए हैं और आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये छोटा सा पॉइंट है तो आपको लगे यहां से जो है सवाल नहीं होगा, आया है, कोई भी प्रश्न पत्र उठा के देखेंगे। मैंने यहां पर क्या चीजें लिखी है, एक तरफ भाग लिख दिए हैं संविधान का कौन सा पार्ट है, दूसरी तरफ मैंने लिख दिया है कि कौन सा उससे विषय है। एक एक करके हम देखते हैं, बहुत आसानी से देखना, कोई ऐसी चीजें नहीं है, ऐसा टिपिकल काम भी नहीं है कि इसको आप सीख ना पाओ, इसको आप समझ ना पाओ। देखो भाग एक में संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बातचीत की गई है कि भारतीय संघ है क्या, भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र क्या है। देखो राज्य अलग है, राज्य क्षेत्र अलग है, ये मैं भारत जब भाग एक पढ़ाऊंगा तो अच्छे से डिफाइन करूंगा कि राज्य क्या है, राज्य क्षेत्र क्या है, दोनों में अंतर है बहुत ज्यादा। दूसरा जो भाग दो है, भाग दो नागरिकता से संबंधित है, सिटीजनशिप से। तीसरा है मौलिक अधिकारों से संबंधित है, फंडामेंटल राइट से। चौथा है राज्य के नीति निदेशक तत्वों से संबंधित है, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट। अगली चीज है 4A, इसी में मैंने अलग से लिख रखा है, ये मौलिक कर्तव्य है आपके, फंडामेंटल ड्यूटीज है। पांचवा जो है भाग पांच, ये संघ सरकार से संबंधित है कि संघ सरकार का निर्माण किन किन आधारों पर जो है, किन किन अंगों से मिलकर होता है, व्यापक परिचर्चा भाग पांच पर करनी होती है। छह आपकी राज्य सरकारों के बारे में है। सातवां आपका है, यह भाग निरसित है यानी संविधान से इसको हटा दिया गया है, भाग सात को, समझे, भाग सात संविधान से हटा दिया जा चुका है, यह निरसित इसीलिए लिखा है। आगे बढ़ते हैं भाग आठ, ठीक है, संघ राज्य क्षेत्र है। नौ आपकी पंचायतें हैं, भाग नौ में पंचायतों के बारे में वर्णन है। 9A में नगर पालिका है, 9B में आपका सहकारी समितियां हैं। इन दोनों को बहुत बार पूछा है, बहुत बार पूछेगा। अगला है भाग 10 में, मैंने बताया था एससी एसटी जो आपके एरियाज हैं इनके बारे में भाग 10 वर्णन है। 11 में आपके संघ एवं राज्यों के बीच में संबंध के बारे में जिक्र है। भाग 12 में वित्त संपत्ति एवं संविधानों के बारे में वर्णन किया गया है। और भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर जो है व्यापार वाणिज्य एवं समागम, ठीक है, आने जाने की सुविधाओं के बारे में सारी चीजों का उल्लेख किया गया है। भाग 14 जो आपका है इसमें संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं इनके बारे में बहुत व्यापक परिचर्चा है। भाग 15 निर्वाचन के बारे में है, इलेक्शन के बारे में। 16 कहता है कुछ आपके ऐसे वर्ग हैं जिनसे संबंधित हमें विशेष उपबंध करने पड़ते हैं, समाज में ऐसे तबके मौजूद हैं। अगला भाग 17 जो है, भाग 17 भैया राजभाषा से संबंधित है कि भारत की राष्ट्रीय भाषा राजभाषा क्या होगी, ठीक है, इन सभी से डील करता है भाग 17। 18 आपका इमरजेंसी प्रोविजंस यानी आपात उपबंध से संबंधित है, इमरजेंसी कैसे लागू होती है यह सब कुछ भाग 18 इनसे डील करता है। अगला है भाग 19 आपका, इसमें कुछ आपके प्रकरणों के बारे में वर्णन है, ठीक है, वो विशेष चीजें आती हैं इसमें, जितने आपकी छोटी छोटी संस्थाएं बहुत सारी ऐसी हैं, एनजीटी वगैरह जैसे है, ये सब जो है क्या है इन्हीं के अंतर्गत है। भाग 20 आपका है संविधान का संशोधन है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और 21 में है अस्थाई संक्रमणशील और विशेष जो है उपबंध, ठीक है, कुछ दिनों के लिए जो कुछ लाना होता है वो सब इनके अंतर्गत आते हैं। भाग 22 क्या है, संविधान में जितने आपके छोटे नाम एब्रिविएशन इस्तेमाल किए गए हैं उनके व्यापक बारे में, उनके शब्दों का अर्थ क्या है, वो सब के बारे में भाग 22 आपका
पूरी जानकारी समाहित रखता है। तो अब मैं बताने जा रहा हूं अगला जो आपका प्रोसीजर है, क्योंकि यहां से सवाल आपके छोटे एग्जाम में हमेशा पूछता है, बड़े एग्जाम में यहां से मैचिंग से सवाल पूछा है, ठीक है। विदेशी स्रोत, यानी अगर आप प्रीलिम्स में भी बैठने जा रहे हो, 2020 में बीओ हो गया, किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, पॉलिटी तो एक ऐसी चीज है ना, छोटा सा सिलेबस है, ढंग से पढ़ लो भैया, बहुत आसानी से अच्छे मार्क्स जीएस में आने प्रारंभ हो जाएंगे, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट आपके बहुत ब्रॉड है, उनको समझना, पॉलिटी चूंकि जानते ही हो कि हमारी पैदाइश होती है तो राजनीति में इंटरेस्ट हर कोई बच्चा रखता है, और उत्तर प्रदेश वाले खासकर, यहां तो राजनीति है और कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो यहां ध्यान दें, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, यानी क्या संविधान हमारा बना, तो आप सारे लोग जानते हैं संविधान बनने के दौरान लगभग जो है 60 देशों के संविधान पर अध्ययन किया गया, ठीक है। कहां पर कौन सा देश अपने नागरिकों के लिए क्या बेस्ट चीजें संविधान में दे रखा है, इन सभी को हमने सीखा, जांचा, और जो चीजें हमें अच्छी लगी उनको भारतीय संविधान में हमने शामिल किया, ठीक है। हम ये नहीं ऐतराज किए कि ये चीजें हमारे लिए बुरी हैं कि ये चीजें हमारे लिए अच्छी हैं, उन पर व्यापक परचर्चा होती थी। जब सारे सदस्यगण मान जाते थे कि यह चीज अच्छी है तो वहां से उस चीज को भारतीय संविधान में शामिल कर लिया जाता था। हाँ, एक खूबी अपने यहां यह देखने को मिलती है कि भारतीय संविधान में जिन जिन बिंदुओं को हमने जिन जिन देशों से शामिल किया है, उन देशों में वह बिंदु उतने व्यापक तौर पर लागू नहीं है जितना कि भारतीय संविधान में भारत देश में लागू होता है, ठीक है। तो यानी हमने लिया तो देखा तो दूसरे से आइडिया, लेकिन उसको अपने यहां इतने व्यापक तौर पर लागू किया कि जहां पर हम अपने नागरिकों को सबसे बेस्ट दे सके, तो यह हमारे संविधान निर्माताओं की सोच रही, उन्हीं सब पर हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं इसमें। अब देखते हैं सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के स्रोत आपके क्या क्या रहे, इन पर बहुत अच्छे से बहुत ध्यान से देखिएगा। मैंने हर एक चीजों को इतना अलग लिखा है, अलग अलग पॉइंट में लिखा है कि आपको कभी भी कंफ्यूजन की स्थिति नहीं बनेगी। जैसे सबसे पहले देखो 1935 में जो भारत शासन आपका अधिनियम आया, अपना जो संविधान है, भारतीय संविधान है, ठीक है, इसमें लगभग आपके बहुत सबसे ज्यादा जो प्रभाव देखने को मिलता है, पूछता है सवाल कि भारतीय संविधान पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका देखने को मिलता है, तो 1935 में जो ब्रिटिश लेकर आए थे भारत शासन अधिनियम, इस अधिनियम का प्रभाव सबसे ज्यादा अपने संविधान पर पड़ा है। यहां के कुछ ऐसे अनुच्छेद इसमें वर्णित थे, उन अनुच्छेदों को सीधा सीधा यहां पर जो क्या किया गया है, शामिल कर लिया गया है बिना किसी बदलाव के, ठीक है, सीधा सीधा भारतीय संविधान में। बहुत ज्यादा भारतीय संविधान के ऐसे हिस्से हैं जो 1935 से आते हैं। समझते हैं कौन कौन से मुद्दों को हमने 1935 से लिया है अपने संविधान में, क्या क्या वो व्यवस्थाएं नहीं, तो एक एक करके मैं परिचर्चा कर रहा हूं। बहुत ध्यान से आपको सिर्फ देखते चलना है, बाकी हर एक चीजें आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी। जैसे संघीय व्यवस्था है, फेडरल सिस्टम चलता है, ठीक है, अनुच्छेद एक जैसे ही घोषित करता है कि भारत राज्यों का संघ है, ठीक है, तो वो चीजें जो ये संघीय व्यवस्था है ये हमने 1935 से लिया है। दूसरी बात, राज्यपाल का जो कार्यालय होता है, गवर्नर ऑफिस होती है, ये चीजें यही थी। न्यायपालिका का जो ढांचा है, स्ट्रक्चर ऑफ ज्यूडिशरी है, इसको हमने यहीं से सीखा है। आपातकालीन जो उपबंध है अपने यहां, इमरजेंसी प्रोविजन है, वो यहीं से आए हैं, ठीक है। लोक सेवा आयोग जो है, ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशन, जिनकी तैयारी आप लोग करते हो, अब जब केंद्र सरकार में जाते हैं तो यूपीएससी हो जाता है, राज्यों में रहते हैं तो हर एक राज्य का नाम जुड़ जाता, अब यहां उत्तर प्रदेश की अब तैयारी कर रहे हो, यूपी जोड़ दो तो यूपीपीएससी हो गया, ठीक है। जिस स्टेट में है वहां पर आप उस स्टेट का नाम जोड़ेंगे, तो हर एक राज्यों की क्या है, अलग अलग आपकी पीएससी है, यानी अलग अलग पब्लिक सर्विस कमीशन है। अगली चीज, शक्तियों के वितरण की जो तीन सूचियां मैंने आपको अभी बताई थी, उन सूची में वो भी इन्हीं के अंतर्गत 1935 में ऐसी व्यवस्था की गई थी, जहां से हमने सीधा सीधा भारतीय संविधान में उनको शामिल कर लिया। आगे बढ़ते हैं, दूसरा आपका क्या है, ब्रिटेन का संविधान, जो हम पर राज कर रहे थे, जिन्होंने हमें उपनिवेश के तौर पर, औपनिवेशिक राज्य के तौर पर बना रखा था, उनके संविधान में कुछ चीजें हमें अच्छी मिल गई, हमने उनको भी अडॉप्ट कर लिया, क्योंकि हमने कभी भी यह चीज नहीं सोची कि अच्छा देखो एक चीज तो आपका तय है, भारतीय संविधान किनके लिए बनना था, भारतीय संविधान बनना था भारतीयों के लिए, लेकिन भारतीय संविधान क्या भारतीयों के लिए बना, हमने तो बहुत सारी चीजें कॉपी पेस्ट कर ली, लेकिन वो चीजें नहीं रही। ध्यान दीजिए यहां पर, ब्रिटेन का जो संविधान है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है,
यह संसदीय व्यवस्था वहां पर चलती है, पार्लियामेंट्री सिस्टम चलता है। इसको हमने ब्रिटिश के जो है कॉन्स्टिट्यूशन से ले लिया। मंत्रिमंडल प्रणाली, कैबिनेट जो सिस्टम चलता है, उसको हमने कहां से ले लिया? ब्रिटेन से ले लिया। विधायी जो प्रक्रिया है, लेजिस्लेटिव प्रोसेस है, उसको हमने कहां से लिया? जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया। राज्याध्यक्ष, राज्याध्यक्ष का जो ये होता है प्रतीक एक तरीके से सिंबॉलिक, ठीक है, या नाम मात्र का महत्व होता है, जिसको हम उसको प्रेसिडेंट को क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट को हम रबड़ का स्टाम्प बोल देते हैं। वो सारी चीजें किसके अंदर? सिंगल सिटीजनशिप की अगर बात करें, एकल नागरिकता, तो यह प्रावधान भी ब्रिटेन से लिया गया है। परमाधिकार रेटे जितनी भी होती है, परमाधिकार रेटों को भी किनसे हमने लिया है? ये सब कुछ व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान में थी। द्विसदनात्मक व्यवस्था जो अपने यहां है, वो भी हमने कहां से लिया है? ब्रिटेन के संविधान से हमने लिया है। इस चीज को भी आपको ध्यान रखिएगा। और जो आपका संसदीय विशेषाधिकार है, ठीक है, संसदीय विशेषाधिकार है, संसद को जो जो अधिकार मिले हैं, उन सभी के बारे में भी हमने यहीं से सारी चीजें सीखी है। अगला आता है अमेरिका का संविधान। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से भारतीय संविधान में क्या क्या चीजें शामिल की गई है, इनको सीखते हैं। देखिए, मूल अधिकार सबसे पहले, फंडामेंटल राइट्स जो है, ये है आपके अमेरिकन जो है कॉन्स्टिट्यूशन से हमने शामिल किया है। यहां पर कौन कौन सी चीजें, यहां वहां पर जो है मौलिक अधिकार बहुत व्यापक तौर पर नहीं है जितना भारत में लागू। अगली चीज, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंट सब जुडिशरी, इसको हमने सीखा कहां से, जो है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। न्यायिक पुनरीक्षण या न्यायिक पुनर्विलोकन का जो सिद्धांत है, द प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल रिव्यू, इसको भी हमने कहां से लिया है? इसको हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना और राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है, यह सब हमने कहां से सीखा? यह सारी व्यवस्थाएं हमारे यहां किससे आई है? यह सारी व्यवस्थाएं हमारे यहां जो है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से आई है, वहां पर संविधान में ऐसा उल्लेख था। अगली चीज है, उपराष्ट्रपति का जो पद है अपने यहां, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये हमने अमेरिकी संविधान से लिया है। अगली चीज अगर बात करें, आयरलैंड का जो संविधान है, इससे हमने क्या क्या लिया? आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से अगर बात करें, तो सबसे पहला जो राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन होता है, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ द जो है राज्यसभा, इसको भी हमने कहां से लिया है? ये आयरलैंड के संविधान से हम सीखे। दूसरी चीज जो बहुत बार पूछा गया है, राज्य के नीति निदेशक जो सिद्धांत है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, इसको कहां से लिया गया? ये आपके आयरलैंड से लिया गया। राष्ट्रपति की जो निर्वाचन पद्धति है, मेथड ऑफ द प्रेसिडेंट सिलेक्शन, इसको हमने कहां से लिया है? इसको भी हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। आगे बढ़ते हैं, कनाडा का संविधान आखिर जो है, इससे हमने क्या क्या चीजें ली हैं? देखिए, जो कनाडा का संविधान है, इससे हमने केंद्र के द्वारा जो राज्यपालों की नियुक्ति होती है हर एक राज्य में, यह व्यवस्था कनाडा में थी, इसको हमने कहां ले लिया? भारतीय संविधान में। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था जो होती है, इसको हमने कहां ले लिया? इसको हमने अपने देश में शामिल किया। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी जो न्याय निर्णयन होता है, इसको हमने कहां से शामिल किया? इसको हमने कनाडा से अपने देश में शामिल कर लिया। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, इसको भी हमने कहां से शामिल कर लिया? इसको हमने, ठीक है, कनाडा से यहां पर शामिल कर लिया अपने देश में। अगला है फ्रांस का संविधान, फ्रेंच का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ध्यान दें, इसमें गणतंत्रात्मक ढांचा, जो रिपब्लिक स्ट्रक्चर होता है, यानी भारत गणतंत्र है, जब गणतांत्रिक जो है क्या क्या परिप्रेक्ष्य, क्या क्या आपको ऐसी चीजें दिखाई देती है कि हम इसको गणतंत्र बोलते हैं, वो सारी सिस्टम फ्रांस में था, वहां से सीखकर हमने भारत में इसको लागू किया। स्वतंत्रता, समता और बंधुता के जो आदर्श है, ये कई बार पूछा गया है, ठीक है, इनको कहां से लिया है? फ्रांस के संविधान से, जो आपको उसमें प्रस्तावना में देखने को मिलती है, ये चीजें पूछता है कि प्रस्तावना में जो है स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श कहां से है, तो ये चीजें कहां से आती है? ये सब कुछ फ्रांस के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अगर बात करें, ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या है? समवर्ती सूची, कंकरेंट जो लिस्ट है, यह ऑस्ट्रेलिया की किससे है? सूची से है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के सूची से क्या है आपका? जो समवर्ती सूची है। और संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है, ज्वाइंट सेशन जो होता है, ठीक है, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस जो है पार्लियामेंट के, यह भी व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक, अगला है व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, जो आप फंडामेंटल राइट्स में पढ़ते हो, इनको भी हमने कहां से लिया है? इनको भी हमने भारतीय संविधान में ऑस्ट्रेलिया के संविधान से शामिल किया है। आगे बढ़ते हैं, अगला है आपका जर्मनी का जो है संविधान। देखो, जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या आपने यहां लिया गया है भैया? सबसे पहली तो चीज जो आप पढ़ते, यहां इतनी व्यापक चीजों को मैंने लिख रखा है ना, कि आपको लगेगा कि ऊपर ऊपर जो चीजें सतही आप पढ़ते थे, लोक सेवा आयोग बहुत अच्छे से पूछता है भैया, इसलिए बहुत अच्छे से लिखा है,
बहुत अच्छे से पढ़ लो, ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, यह भी जान लो। अगली चीज क्या है, आपातकाल के समय मूल अधिकारों का जो स्थगन हो जाता है, यह किस देश से लिया गया? यह प्रावधान आपका कहां से? जर्मनी के संविधान से लिया गया है। अगली चीज, दक्षिण अफ्रीका के संविधान की जब हम बात करेंगे, साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन की, भैया राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है, इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, नॉमिनेशन नहीं, निर्वाचन, ये कहां से है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से है। अगली चीज, एक ये भी बहुत बार पूछा है कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली गई, यह दक्षिणी अफ्रीकी संविधान से ली गई है, सीखी गई। अंतिम बात करते हैं सोवियत संघ के संविधान की। सोवियत संघ यानी आजकल रूस वगैरह जो कुछ अलग है, डिवाइडेड है, ये पहले एक थे, ठीक है, यूएसएसआर बोलते हैं इसको। इनमें क्या क्या चीजें हमने सीखी? पहली चीज तो ये कई बार पूछा है, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का जो आदर्श है, ठीक है, ये कहां से लिया गया? सोवियत संघ के संविधान से। मौलिक कर्तव्य जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, इनको भी हमने कहां से लिया है? इनको हमने सोवियत संघ के। अगला है जापान का संविधान। जापान के संविधान से क्या हमने सीखा? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है, यह जापान के संविधान से सीखी गई है। तो आज के सारे आपके क्वेश्चंस, मतलब सारे जो टॉपिक रहे उनको अच्छे से हमने कवर कर लिया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में, सबसे पहली चीजें ये जितनी खूबियां रही इनसे क्या क्या चीजें आती हैं, ठीक है, उनके बारे में बात करेंगे, यानी भारतीय संविधान के फीचर्स क्या क्या हैं। उसके बाद पार्ट वन से हम शुरुआत कर देंगे, भाग एक पढ़ेंगे, भाग दो, भाग तीन, भाग चार, यानी अब चीजें और भी आपके लिए अच्छी होने जा रही। अभी तो मैं सिर्फ आपको बेस बता रहा हूं, सारी चीजें यहां से समझ गए तो पॉलिटी आगे के लिए आपके बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। अच्छे से पढ़िए, मस्त होकर। सभी का भाई बहुत बहुत धन्यवाद।